जी और मैं हूँ आपकी होस्ट राफिया। आज हम एक बहुत बहुत ही हैपनिंग किस्म की जगह पे मौजूद है। ये हैपनिंग इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमेशा रश होता है और शाम के वक्त जो है ये रश बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हम मौजूद हैं जी सफारी पार्क में, जो कि पार्क भी है और सॉर्ट ऑफ एडवेंचर पार्क भी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। अच्छा, ये शुरू तो हुआ था 1970 में एज अ जू। उस वक्त कराची के अवाम के लिए एक वाहिद सफारी का एरिया जो है वो क्रिएट किया गया था। और मज़े की बात यह है कि ये शहर के बीचों बीच है, ये भी नहीं कि कोई आउटस्कर्ट्स में जाके बनाया गया हो। उसके बाद जी प्रोग्रेस करता गया, बढ़ता गया, फिर यहाँ एक्टिविटीज शुरू हुई। इसमें डाइनो पार्क भी है, सफारी फ्लाई भी है, जो कि प्रॉब्ली आप मेरे पीछे देख रहे होंगे। इतनी हैपनिंग जगह है और हम आपको ना दिखाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। चलिए मेरे साथ एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा जी, इस वक्त हम सफारी के जू एरिया में दाखिल हो रहे हैं। यहाँ कुछ जानवर हैं जी जू में, उनसे मिलते हैं और देखते हैं आगे और क्या चीज़ें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप मेरे पीछे जो बस देख रहे हैं, ये शटल सर्विसेज होती हैं जो आपको यहाँ लेकर आती हैं। आप पैदल भी आ सकते हैं क्योंकि रास्ता लंबा है, तो आए बिफोर कि आप इस तरह की शटल बसेस में आया करें। इस वक्त अंदर आ चुकी हूँ। सोनिया और मलका को नहीं पता कि मैं अंदर आ गई हूँ। अगर उन्हें पता चला तो वो मेरे पीछे पड़ जाएंगे। मैं कोशिश करती हूँ उनको चुपके से हाथ लगाने की और टच करके भाग आऊंगी। हाय बेबी, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, उन दोनों को पता चल चुका है। दोनों ने देख लिया है एंड देयर एक्नॉलेजिंग। और इससे पहले कि ये मेरे पास आके मुझे उठा के लेके जाए, मैं यहाँ से भाग जाती हूँ। अच्छा जी, मेरे पीछे जो आप ये दो हाथी देख रहे हैं, एक सोनिया और एक मलका। तो सोनिया और मलका जो है वो तंजानिया से यहाँ लाए गए थे 2009 में, और तब सोनिया जो थी वो 7 साल की थी और मलका जो थी वो आई थिंक 4 या 5 साल की थी। तो अब ये कुछ 15, 16, 17 साल के हैं और ये यहीं रहते हैं। एक्सक्लूसिवली हमारे लिए हाथी जो है वहाँ से खोल के यहाँ ले आए हैं। ओह माय गॉड, ये एयर ब्लो कर रहे हैं मुझ पर। और हम इनको जो है केले खिलाते हैं। वैसे ये लोग केले भी खाते हैं, तरबूज भी खाते हैं और शकरकंदी भी खाते हैं। तो इस वक्त हम इनको केले खिला रहे हैं। और ये सोनिया है और ये मलका है। मलका थोड़ी दूर है। सोनिया ये ले लो बेटा, ये लो मलका, तुम भी ले लो। अब मैं यहाँ से और जानवरों की तरफ चलती हूँ, लेकिन इससे पहले इनको बाय बाय कर देते हैं। बाय सोनिया, बाय मलका। अच्छा जी, अब हम हाथियों के पास से आगे आ चुके हैं और अब हम दूसरे जानवर की तरफ जा रहे हैं। और ये दूसरा जानवर कौन है? दिस इज चीतल। चीतल इज एक्सेस एक्सेस। ओके जी, चीतल के पास चलते हैं। चीतल बहुत क्यूट एंड शीतल लग रही है मुझे। लेट्स गो एंड एक्सप्लोर। अच्छा जी, इस वक्त हम चीतल के पास मौजूद हैं। एक्सेस एक्सेस बेसिकली। मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा इंसानों से या तो डरते हैं, क्योंकि यहाँ इनको बिल्कुल एक नेचुरल एनवायरनमेंट मिला हुआ है, बिल्कुल जिस तरह उनको एक जंगल में जो मिलता है। तो ये लोग शायद इतने ह्यूमन फ्रेंडली नहीं हैं। तो हमारी ज़रा सी आवाज़ से आप देख रहे हैं वो सारे जाके पीछे जाके छुप रहे हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि अब हम बिल्कुल आवाज़ ना करें और उनके पास, उनके करीब जितना जा सकते हैं पहुँच जाएँ। इस वक्त इन सब की अटेंशन जो है ना वो मुझ पे है और मेरी अटेंशन उन पे है। हम एक दूसरे को आंखों आंखों में घूर रहे हैं, लेकिन वो मेरे पास आने को तैयार नहीं है और मैं उनके पास जा नहीं सकती। कोशिश कर रही हूँ कि वो थोड़ी फ्रेंडली वाइब मुझसे लें ताकि वो मेरे पास आ जाए। अच्छा,
जी मैं अंदर जाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर जाने तक ये टूट जाएगा और ये सब बाहर भाग जाएंगे, सो आई बेटर नॉट ट्राई दिस। अच्छा भाई, इस वक्त हम फेलो डियर्स के बीच में से निकल रहे हैं, अभी हम चीतल के पास से आए हैं और मेरे आसपास लेफ्ट और राइट इस वक्त हिरन ही हिरन है और बड़े खूबसूरत किस्म के हिरन है, आप उनकी जरा सीन देखें। अच्छा जी, इस वक्त हम जा रहे हैं, कोई यहाँ VIP स्पॉट है, हम जानवरों के बीच में से जू के एरिया में से निकल के उस VIP स्पॉट पे जा रहे हैं जो कि यहाँ का हाईएस्ट स्पॉट है और मैंने सुना है कि वहाँ का कोई नज़ारा भी बड़ा खूबसूरत है, तो पहले वहाँ चलते हैं, नज़ारा एंजॉय करते हैं। अच्छा जी, इस वक्त हम हाई स्पॉट पे पहुंच गए, थोड़ा सा अब मुझे ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा, एक मिनट आई। और यहाँ से जी हम VIP स्पॉट पे जा रहे हैं और VIP स्पॉट पे चल के देखते हैं कैसा नज़ारा है जी। थक गए क्योंकि हम लोग मैदानी लोग हैं, हम पहाड़ी लोग नहीं हैं, तो इस तरह चढ़ते हुए हम थक जाते हैं। लेट्स डू इट अगेन। अच्छा जी, हम लोग इस वक्त और ऊपर जा रहे हैं, इसी को कहते हैं सफारी, जिसमें आपकी जिस्मानी फिज़िकल एक्सरसाइज भी होती है और बड़ा ध्यान से चलना पड़ रहा है क्योंकि रॉकी रास्ता है, तो उन्होंने बनाया हुआ है लेकिन थोड़ा सा रॉकी है। हम काफ़ी हद तक ऊपर पहुंच चुके हैं, थोड़ा सा और ऊपर जाना है, ट्रैक है जी ऊपर, लोग उसमें वॉक भी करते हैं। अच्छा जी, फ्रेश एयर की बात ही और है, मज़ा आ रहा है, कराची में रहते हुए आपको इतनी मज़े की फ्रेश एयर मिल जाए, बस पीछे से कुछ फ्लैट्स का सिनेरियो हट जाए तो मज़ा ही आ जाए। अच्छा जी, मैं इस वक्त इस स्पॉट पे पहुंची हूँ, सीरियसली इस स्पॉट पे मैं इतने सालों से कराची में रहते हुए मुझे ये स्पॉट नहीं पता था और आई एम सो हैप्पी आई एम एक्सप्लोरिंग दैट विद ऑल ऑफ यू। ज़रा आप यहाँ का खूबसूरत नज़ारा चेक करें, दिस इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल। और क्योंकि हल्की हल्की सर्दी भी है तो एक धुंध का सा भी समा है और ठंडक भी लग रही है और मज़े की जगह भी है, ऐसा मुझे लग रहा है मैं किसी पहाड़ी इलाके में आ गई हूँ। इस वक्त अंधेरा होने वाला है तो ये इसकी नेचुरल ब्यूटी साइड है, इस सफारी पार्क में एडवेंचरस साइड भी है, वहाँ पे बहुत मज़े मज़े के एडवेंचर्स हैं, तो अब थोड़े अंधेरे में हम वो एडवेंचर्स करने जा रहे हैं, कम अलॉन्ग। फाइनली मैं आपको लेकर आई हूँ फ्लाई सफारी, और यहाँ है जी जिप लाइन जो कि आपको क्रॉस द लेक लेके जाती है और आपने एंजॉय कैसे करना है ये मैं आपको चल के दिखाती हूँ। फाइनली मैं आपको लेकर आई हूँ फ्लाई सफारी और यहाँ हम करेंगे बहुत ज़्यादा एंजॉय। आप लोग अभी तक देख रहे थे, बड़ी सीनरीज देख रहे थे, हाईएस्ट एरिया देखा आपने, आपने जू देखा, अब आप एंजॉय करने वाले हैं सफारी पार्क की एडवेंचरस राइड्स। और यहाँ है जी जिप लाइन जो कि आपको क्रॉस द लेक लेके जाती है, नीचे लेक में लोग बोट राइड कर रहे होते हैं और ऊपर आप जिप लाइन से यहाँ से वहाँ जाते हैं। अच्छा, ये जिप लाइन बहुत पहले भी होती थी, कुछ आज से 10-12 साल पहले, फिर ड्यू टू सम रीज़न जो है वो बंद कर दी गई, अब उसको रेनोवेट किया गया है और मज़ीद अट्रैक्शंस के साथ लाया गया है, तो आप अगर सफारी पार्क आएँ, जो कि आपको आना तो पड़ेगा, तो आए तो इस जिप लाइन बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा। और आपने एंजॉय कैसे करना है ये मैं आपको चल के दिखाती हूँ। यहाँ पे जिप लाइन करने के लिए हमने जो पॉलिसी बनाई हुई है उसके अंदर मिनिमम वेट 25 kg होना चाहिए। सही है, ठीक है, हम वेट इसलिए करते हैं कि मिनिमम 25 हो, मैक्सिमम इज 100 kg। ओके, लेकिन हमारी जिप लाइन जो है वो 110 kg तक जो है वो बर्दाश्त करती है, लेकिन ऑन द सेफ्टी पर्पस हम उसको 100 kg तक चलाते हैं, चला देते हैं, और मिनिमम 25 kg है और 7 years से कम लोग नहीं जा सकते। अच्छा जी, अब हम उस एरिया में आ गए, यहाँ पे अब हम गैरअप होंगे, कैसे होंगे ये तो मुझे यही बताएंगे।
जी सर। ओके जी, अब ये हमारा वो एरिया है जहाँ पे हमारे राइडर राइडर जब हमारे सारे फॉर्मेलिटीज को पूरा करके वो अंदर आ जाते हैं रिस्ट बैंड लगा के, तो हमारे यहाँ पे जो हैंडलर है वो आपको रिसीव करते हैं राइडर को, और उसके बाद हमारे यहाँ पे जो किट पहनाने के हैं उसके अंदर हार्नेस पहनते हैं आप, आपको हेलमेट पहनाई जाती है और आपको लाइफ जैकेट पहनाई जाती है, यहाँ पे आप तैयार होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर नोट करने की है कि ये हमने सारा प्रोसेस ओपन रखा हुआ है, जिसको देखना है वो देखे, जस्ट बिकॉज कि उनको कॉन्फिडेंस आए कि हम सेफ्टी मेजर्स सारे ले रहे होते हैं, तभी हमने ये सारी चीज़ें ओपन रखी हैं। ओके, सब देखें कि किस तरीके से वो तैयार हो रहा है। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, एक हार्नेस वो है जो बच्चों को भी आता है, बड़ों को भी आता है, और एक हार्नेस है जो सिर्फ बड़ों को आता है। इस वक्त जो ये हार्नेस पहन रही है ये वो हार्नेस है जो सबसे पहली जिप हमारी की थी वो हमारे मेयर मुर्तजा वहाब साहब ने की थी, उन्होंने यही हार्नेस पहना था। दिस इज पैडेड हार्नेस, दिस इज सिट हार्नेस, और इसके अंदर आप बिल्कुल कंफर्टेबल होके जा रहे होते हैं। ये सारा प्रोसेस जो जिप लाइन का स्टार्ट से लेके अभी तक पहुंचा है, इसमें केएमसी का 100% सपोर्ट और मुर्तजा वहाब साहब का जो विजन था टू प्रोवाइड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज टू दी पीपल ऑफ कराची, वो हमें इतना अच्छा रिस्पांस आया है कि लोग जिप लाइन करने के लिए आ रहे हैं, और वो सिर्फ सफारी पार्क इसलिए नहीं आ रहे कि पूरा सफारी पार्क तो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन दे आर कमिंग फॉर जिप लाइन। जी मैं गियर अप हो चुकी हूँ, मैं बिल्कुल रेडी हूँ, अब मैं यहाँ से ऊपर जाऊंगी और हम वहां से जिप लाइन करने वाले हैं। यू कैन सी ऐसा लग रहा है मैं कोई जंग लड़ने जा रही हूँ, बट आई थिंक इट्स गोना बी अ लॉट ऑफ फन। ऑलराइट जी, मैं फाइनली उस पोजीशन पे हूँ जहाँ पे मैं बस जिप लाइन पे जाने वाली हूँ। अब आप लोग मुझे फॉलो कीजिएगा, थोड़ी एक्साइटमेंट हो रही है, थोड़ा सा डर भी लग रहा है, लेकिन आई थिंक मजा आएगा। Actually, this is a lot of fun. I'm not scared. It's just that I'm moving. Okay. Okay. This is how they're going to stop me. Noor Ahmed, line clear? Yes, line clear. चलो फिर हम rider भेज रहे हैं। Okay. And now I'm going back. Seriously, it's a lot of fun. And I think I'm reaching finally. अभी fly safari करके आई हूँ, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़े की flight थी। आप भी ये flight ज़रूर लीजिएगा। हालत थोड़ी सी अभी अजीब हुई भी है, सांस भी बस हल्का हल्का आ रहा है, आने की कोशिश कर रहा है, but it was a lot of fun. You should not miss this. बच्ची अभी राइड करके आई है और मैंने कहा कि चलो उससे बात करते हैं, थोड़ी सी डरी हुई है, घबराई हुई है, तो राइड वाज सिंपल लेकिन ये थोड़ी सी डरी है। कैसी थी बेटा? मतलब बहुत अच्छा लगा था, मज़ा आया था। पहले जब मैं गई थी तो डर लग रहा था, फिर बाद में मैंने अल्लाह का नाम लेकर मैं वापस आ गई। अल्लाह का नाम लेकर वापस आ गई, शो क्यूट। यहाँ पूरा फ्रेंड्स का ग्रुप आया हुआ है और सब जा रहे हैं जी फ्लाई सफारी पे। हम उनसे पूछते हैं हाउ एक्साइटेड आर दे, या पहले भी कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये फ्लाई सफारी पे पहली बार आए हैं? जी फ्लाई सफारी पे तो पहली दफ़ा आए हैं, लेकिन ये जिप लाइन कर चुके हैं, बाबू सर टॉप पे भी करी थी, वो तो जी वो ज़्यादा बड़ी थी, लेकिन ये कि ये ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई क्या होता है। अच्छा, तो डर वर तो नहीं लगता? नहीं नहीं, डर नहीं, हमने तो बाबू सर टॉप पे करी थी, जिन्होंने बाबू सर टॉप पे की इनको तो यहाँ पे। लेकिन ये डिफरेंट है, ये ओवर द लेक है, ये बाबू सर टॉप है। ओवर द लेक, वो भी ओवर द लेक था, वो तो दरिया कुनार के ऊपर था, खैर लेकिन ये तो खैर ये तो कर लेंगे छोटी मोटी। चलो जी, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ लॉट ऑफ फन। अभी हम जिप लाइन करके आए हैं, बड़ा मजा आया, बहुत मजे की फैसिलिटी, आपको जरूर करनी चाहिए, इट्स वेरी वेरी डिफरेंट एंड वेरी वेरी एंटरटेनिंग। लेकिन अब हम मौजूद है डायनो सफारी पार्क के सामने, जो कि ऐसी कोई चीज अभी तक कराची में नहीं थी। ये चीज इनॉग्रेट हुई है अगस्त में, और अगस्त 2023 में, और मुर्तजा वहाब साहब ने इसको इनॉग्रेट किया है। अब है क्या यहाँ पर, और इतनी खतरनाक सी आवाजें क्यों आ रही हैं,
कहाँ से आए हैं डायनासोर, कैसे लगते हैं, कैसे दिखते हैं, ये सब हमें अंदर जाकर ही मालूम होगा। कमल आ भी अंदर आ चुकी हूँ और पहला डायनासोर जो मुझे यहाँ दिखा है वो है मिस्टर इरिटेटर। इनका नाम इरिटेटर है क्योंकि काफ़ी इरिटेटिंग है। ये ऐसे ही खड़े रहते हैं और ऐसे हो 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 करते रहते हैं। कुछ 110 मिलियन साल पहले ब्राज़ील में मिलते थे जी, और कहा जाता है कि शायद मछलियाँ खाते थे और ऐसे ही होते थे, बस डरा रहे हैं मुझे। मैं जरा इनसे बात करके देखती हूँ। हेलो, हाउ आर यू? अरे सुन रहे हैं मेरी बात? चुप करके सुन रहे, ये फीमेल होगी जरूर, चुप करके सुन ही नहीं सकती। हाय, ऐसे ही करते रहते हैं आप सारा दिन? आप थकते नहीं है क्या? वो कह रहे नहीं थकता। चले जी आगे और डायनोज एक्सप्लोर करते हैं। कब लॉन्च? और जी कुछ मैनेजमेंट से बातें पूछी तो पता चला कि यहाँ कुछ 12 डायनासोर्स के अराउंड हैं, और ये डायनासोर्स जो हैं इनकी सारी मशीनरी और इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर सारा जो है वो चाइना से इंपोर्ट किया गया है। अच्छा, ये जो है मेंटेन करना आसान नहीं है, और इनकी मेंटेनेंस का कोई स्पेशल प्रोटोकॉल होता है। इनको पानी नहीं लगाते, ये कॉटन से साफ होते हैं, और इनको वीकली इनकी मशीनरी, इनके अंदर ऑब्वियसली मशीनरी है, तो वो मशीनरी इनकी जो है वो वीकली उसको मेंटेन करना, उसकी ऑयलिंग करना, उसके पार्ट की मेंटेनेंस। यहाँ बाकायदा एक मेंटेनेंस रूम है, और यहाँ पे इस वक्त जितने डायनासोर्स हैं जिनमें सेंसेस लगे हैं, जब आप उनके पास जाते हैं तो वो एकदम से अपना हाव हाव करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनमें सेंसेस लगे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ कंट्रोल रूम से है मैनेज हो रही हैं। कुछ अराउंड 10 करोड़ से ऊपर का ये सारा सेटअप है, और इसको मेंटेन करना उससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ये वो चीज़ें जो आप बाहर मुल्कों में देखने जाते थे, कुछ अराउंड 100-120 डॉलर्स के अराउंड में एक इंसान का टिकट होता था, बच्चे शायद 80 के डॉलर, और यहाँ से 100 रुपये में यू कैन सी सो मेनी थिंग्स। एंड आप वही सीन, वही सिनेरियो, वही जंगल इन्वायरमेंट, वही डायनासोर जो आप 120 डॉलर दे के इंजॉय करते हैं, वो आप यहाँ 100 रुपये में इंजॉय कर सकते हैं। करी हूँ ट्राइसेराटॉप के पास। इसके 3 हॉर्न्स हैं, और ये कुछ नॉर्थ अमेरिका साइट पे होता था अराउंड 65 मिलियन ईयर अगो, और एक्चुअली में इसको वॉरियर कहते हैं बिकॉज ये अपने हॉर्न से लड़ता है। इसके पास जैसे बाकियों के पास आपने देखा होगा हॉर्न नहीं है, हाँ दे हैव बिग बॉडीज, लेकिन इसके पास हॉर्न है। लेकिन एक्चुअली क्यूट है ये, मुझे भी आँखें भी मार रहा था, तो मुझे एक्चुअली इसमें प्यार आ रहा था। मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में यहाँ ये मेंशन नहीं है, लेकिन आई थिंक ये हर्बीवोरस टाइप में है, ये कार्निवोरस टाइप में नहीं है। अच्छा जी, अभी मैं स्पाइनोसॉरस के पास मौजूद हूँ। स्पाइनोसॉरस की स्पेशल चीज़ ये थी कि इसकी अलग से एक एलिवेटेड सी स्पाइन निकली हुई है। ये आपको इजिप्ट और मोरक्को साइड पे जो है वो ज़्यादा मिलता था, मतलब हम लोग को तो नहीं मिल सकता क्योंकि हम लोग थे ही नहीं उस वक्त, लेकिन ये जब ये होता था तो ये उस साइड पे ज़्यादा होता था। अच्छा, ये काफ़ी डेंजरस है क्योंकि ये जो है ये लिविंग क्रीचर्स खाता था, ये कार्निवोरस है, कम्प्लीटली कार्निवोरस है, और काफ़ी ख़तरनाक किस्म का कार्निवोरस था अपने ज़माने में। अब तो बेचारा ऐसे ही खड़ा हो ये जा रहा है। अच्छा जी, अब मैं जा रही हूँ सबसे मज़ेदार, सबसे ज़्यादा फेमस, जो कि सारे बच्चों का बहुत ही फेवरेट होता है, टी रेक्स के पास, जो कि नॉर्थ अमेरिकन साइड पे ज़्यादा पाया जाता था, जिसके अंदर किंग ऑफ ऑल द लिजर्ड्स, किंग ऑफ ऑल द डायनासोर्स, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत पावरफुल। आप इसके दांत देखें, 1 मिनट के चीर भाड़ के सब कुछ बराबर कर देगा, इतना स्ट्रॉन्ग ये डायनासोर था अपने वक्तों में। और मैं सिर्फ ये देख रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी। उसको अच्छा नहीं लगा अपने बारे में इंट्रो, बट एनीवे मैं सिर्फ ये देख रही थी कि कितना ओरिजिनली इसको रेप्लिकेट किया है, कि आप इसकी ब्रीदिंग तक देख सकते हैं, इसका स्टमक अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, तो आप वो एक्चुअली देख सकते हैं। बहुत ही इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि अगर आपको ना पता हो, जैसे बच्चे हैं तो वो शायद ओरिजिनली समझे कि ये वाकई में रियल डायनासोर है। ये
ये जो इतना लंबा सा आप डायनासोर देख रहे हैं, ये है मिस्टर रुयांग। ये चाइना में पाए जाते थे और ये सबसे जायंट डायनासोर्स में आता है। काफ़ी बड़ा है, ह्यूज है, इसकी चार टांगे भी काफ़ी मजबूत है। इनफैक्ट मैं भी देख रही थी, इसके सेंसर्स इतने मज़े के इन्होंने लगाए हुए हैं और इतनी मज़े की इसकी मूवमेंट है, जो कि बिल्कुल ओरिजिनल की स्कीन। हाँ, टेल हिल रही है तो पीछे वो दरख्त से टकरा रहा है और दरख्त भी हिल रहा है और इतनी ओरिजिनल लग रही है ये सारी फीलिंग। ये एक्चुअली अच्छा था, ये काफ़ी फ्रेंडली था, ये हर्बिवोरस था, ये वो नहीं था कि वो जानदार खाता हो या जानवर खाता हो। जी अब मैं ये थोड़ी सी डायनासोर राइड ले रही हूँ। किधर जा रहे हो भाई? इधर 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 इधर। अब मैं इसको सोच रही हूँ, चाइना से कराची आया है तो कराची की बिरयानी तो खाएगा ना, तो मैं इसको इसकी स्पीड में बिरयानी खिलाने लेके जा रही हूँ। लेकिन आप लोग जब कराची आए तो आप लोग यहाँ पे सफारी एडवेंचर लैंड ज़रूर आएँ। यहाँ पे आपने देखा हमने मज़ेदार किस्म की चीज़ें की। पहले हम ज़ू गए, फिर सफारी गार्डन गए, फिर हम लोगों ने ज़िप लाइन की और अब हम जो है ये डायनो सफारी की राइड भी इंजॉय कर रहे हैं। और आपने डायनासोर से मिले भी हैं। ये अंकल बहुत स्लो चलते हैं। एनीवे भाई, बड़ा मज़ा आया। इट वॉज़ वेरी वेरी इंटरटेनिंग एंड आई थिंक अ वेरी गुड एक्टिविटी फॉर एवरीबडी, नॉट जस्ट फॉर किड्स, फॉर इवन अडल्ट्स। और स्पेशली जिप लाइन तो आप लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत मज़े का जी। और अभी हमें बड़ा मज़ा भी आ रहा है इसके ऊपर। आप लोग बस अब आपको यहाँ आना ही पड़ेगा। अभी आप मुझको इजाज़त दें, मैं कोशिश कर रही हूँ उसको बंस रोड ले जाने की। पता नहीं जाएगा, पर हम कोशिश करें। आपसे अगले एपिसोड में हम फिर मिलते हैं, कुछ और दिखाएंगे, कुछ नया एक्सप्लोर करेंगे या कोई इवेंट हम कवर करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ रहेगा, देखते रहेगा डिस्कवर पाकिस्तान और सपोर्ट करते रहेगा जी। हेलो कराची को, दिस इज योर होस्ट राफेल रफीक साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।